आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकार का बड़ा ऐलान, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली दो बहनों में से एक की फीस होगी माफ। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 18 साल से कम उम्र के कस्टमर अब नहीं खरीद सकेंगे नया सिम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले 3% बढ़ेगा HRA, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब महिलाओं के नाम पर होगी संपत्ति तो नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड को लेकर आई आज एक बहुत बड़ी खबर, उदय ने जनता के लिए किया है बड़ा ऐलान, आखिर क्या है ये, क्या बड़ा ऐलान बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप ने लिया है बड़ा एक्शन, 20 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स का अकाउंट किया है बैन, इस खबर को भी जाने के पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर लोन लेने वाले लोगों के लिए देखिए जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको अगले अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अब इन ग्राहकों को नई मिलेगी नई मोबाइल सिम, मोदी सरकार ने सख्त कर दिए है नियम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मोबाइल सिम के फर्जीवाड़े और गलत हाथों से जाने से रोकने के साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए नियमों में यहां पर बदलाव कर दिया है। वही संचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहक फिजिकल की बजाय डिजिटल फॉर्म भरकर नई सिम यहां पर ले सकेगा। वही अब प्रीपेड या फिर पोस्टपेड, यानी प्रीपेड से पोस्टपेड या फिर पोस्टपेड को प्रीपेड में तब्दील करने पर भी फिजिकल फॉर्म की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने से जुड़े यहाँ पर प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर दे दी है। आपको बता दें कि हाल में ही दूरसंचार विभाग ने KYC के नियमों में भी बदलाव यहाँ पर किया है। वही दूरसंचार विभाग के नए नियमों के मुताबिक अब टेलीकॉम ऑपरेटर 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड यहाँ पर जारी नहीं करेंगे। वही अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे सिम कार्ड यहाँ पर जारी करने पर प्रतिबंध यहाँ पर रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति को सिम यहाँ पर कार्ड जारी किया जाता है तो टेलीकॉम कंपनी दोषी यहाँ पर मानी जाएगी। दरअसल नया सिम लेने के लिए कस्टमर यहाँ पर एक्विजिशन फॉर्म यानी CAP यहाँ पर भरना जरूरी होता है। यह ग्राहक और कंपनी के बीच यहाँ पर कॉन्टेक्ट होता है, इस फॉर्म में कई शर्तें यहाँ पर होती है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों का दशहरा से पहले 3% बढ़ेगा HRA, सैलरी में होगा इजाफा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फेस्टिव सीजन में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देने वाली है। दरअसल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेट अलाउंस यानी HRA में 3% की यहाँ पर वृद्धि कर रही है। वही सरकार ने 1.5 साल रोके गए महंगाई भत्ते का एरियर भी नहीं दिया है। हालांकि लेकिन जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता DA में 17% यहाँ पर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। अब सरकार ने अगस्त महीने के लिए HRA 3% बढ़ाकर बेसिक सैलरी में 25% यहाँ पर टोटल ये कर दिया है। वही केंद्र सरकार ने अब यहाँ पर आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर हाउस रेट अलाउंस और DA में बढ़ोतरी यहाँ पर की जाए। वह नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि DA 25% से ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। ऐसे में केंद्र ने भी HRA बढ़ाकर यहाँ पर 27% करने का फैसला यहाँ पर किया है। वही केंद्र सरकार के व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को जारी आदेश में कहा था कि जब DA 25% से ज़्यादा हो जाएगा तो HRA भी यहाँ पर बदला जाएगा, इसमें बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। अब जुलाई से यहाँ पर महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है और HR को भी यहाँ पर बढ़ना जरूरी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली NCR के लोगों को लगा है महंगाई का एक और झटका, CNG और PNG की बढ़ी है कीमत। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। इस बीच दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में CNG और PNG के दामों में इजाफा हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमतों में 62% यहाँ पर बढ़ाने से CNG और PNG कीमतें यहाँ पर बढ़ी है, जबकि बढ़ी हुई कीमत कल से लागू यहाँ पर हो गई है। वही IGL यानी इंटरप्रेस गैस लिमिटेड ने यहाँ पर CNG के दामों में 2.28 रुपये प्रति किलो और PNG के रेट 2.55 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। इसके साथ ही राजधानी में CNG का रेट 47.48 रुपये प्रति किलो है। वही PNG का रेट 33 रुपये यहाँ पर प्रति मानक घन मीटर यहाँ पर हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले बिल की, तो आधार कार्ड बनवाना होगा अब और भी आसान, उदय ने किया है बड़ा ऐलान। आधार कार्ड आज के समय में बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन गया है। वही बैंक में खाता खुलवाने से लेकर राशन की दुकान से राशन लेने के लिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर आधार कार्ड खो जाए तो नया आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसी को ध्यान में रखकर उदयने 122 शहरों में 167 नए सेंटर खुलाने यहाँ पर उदय जा रहा है। इन सेंटरों के खुलने के बाद लोग नए आधार कार्ड आसानी से बनवा सकेंगे, साथ ही पुराने आधार कार्ड को अपडेट भी यहाँ पर बुक करवा सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना समय पहले से यहाँ पर बुक कर लें, जिससे आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वही 167 आधार सेवा केंद्रों में उदय ने 55 सेवा केंद्रों को पहले यहाँ पर खोल दिया है। ये नए आधार सेवा केंद्र 52,000 आधार एनरोलमेंट सेंटर के अतिरिक्त है। आपको बता दें कि इन सभी आधार सेवा केंद्रों को बैंक और राज्य सरकार और पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित किया जाता है। अभी तक इसके जरिए 70 लाख लोगों को आधार से जुड़ी समस्याओं का समाधान इसमें किया जा चुका है। चलिए बात कर लेते हैं अगले ब्रेक की। तो नैनो यूरिया का कमर्शियल उत्पादन करने वाला पहला देश बना है भारत। गुजरात में ड्रोन से छिड़काव कर किया गया है ट्रायल। केंद्रीय रसायन उर्वरक एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मावड़िया की उपस्थिति में गुजरात के भावनगर में बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी में नैनो लिक्विड यूरिया के ड्रोन के छिड़काव का व्यवहारिक फील्ड ट्रायल यहाँ पर किया गया है। ड्रोन द्वारा लिक्विड नैनो यूरिया के छिड़काव के प्रदर्शन का ये कार्य यहाँ पर नैनो यूरिया विकसित करने वाली कंपनी इफको द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही भारत नैनो यूरिया का कमर्शियल उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मावड़िया ने कहा है कि भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बना है जिसने नैनो यूरिया वाणिज्यिक उत्पादन यहाँ पर शुरू किया है। बड़े पैमाने पर आज न सिर्फ नैनो यूरिया का उत्पादन हुआ है, बल्कि हमें खुशी है कि शुरुआत से ही किसान इसे यहाँ पर व्यापारिक यहाँ पर व्यापक यहाँ पर स्तर पर अपना भी रहे हैं। भैया बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अगर आप भी ऑटो डेबिट से भरते हैं बिजली पानी या फिर एलपीजी का बिल, तो आरबीआई का ये नया नियम डाल सकता है आपके ऊपर असर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का ऑटो डेबिट ट्रांजेक्शन का नया नियम 1 अक्टूबर 2021 से अमल में आ गया है। ये नियम कहता है कि बैंक हर ऑटो जनरेटेड ट्रांजेक्शन से पहले ग्राहक को एक मैसेज भेजकर बताएंगे, वही ग्राहक की मंजूरी मिलने के बाद ही बैंक बिल का ऑटो डेबिट यहाँ पर कर पाएंगे। हालांकि ये नियम सबके लिए नहीं है। जो ग्राहक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट या फिर यूपीआई का ट्रांजेक्शन के जरिए ऑटो डेबिट यहाँ पर करते हैं, उन ग्राहकों के लिए ये नियम होगा। वही जिन ग्राहकों ने नेट बैंकिंग के जरिए बिजली बिल यहाँ पर बिजली पानी बिल और एलपीजी फोन वगैरह रिचार्ज ओवर द टॉप आदि का यहाँ पर बिल भरने का सिस्टम फिक्स किया है, उन पर भी ये नियम यहाँ पर लागू होगा। अगर आप ऑटो डेबिट से यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का पैसा यहाँ पर जमा करते हैं, तो नया नियम आपके ऊपर कोई असर यहाँ पर नया नियम का नहीं होगा। इसकी वजह है कि अधिकांश यहाँ पर SIP का ट्रांजेक्शन नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH से यहाँ पर होता है, जो सीधे बैंक से ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए ऑटो डेबिट के नए नियम का असर यहाँ पर SIP के भुगतान पर नहीं होगा। जो निवेशक इन्वेस्टमेंट ऐप जैसे कि यहाँ पर जोधा है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है या फिर अंजल ब्रोकिंग आदि से इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर SIP पेमेंट करते हैं, तो उन पर भी कोई इसका असर नहीं होगा। वही बात कर लेते हैं अगले अपडेट की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान में 29,000 पदों के लिए इसी महीने होगी भर्तियां। राजस्थान में शिक्षा विभाग में 29,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञप्ति इसी महीने यहाँ पर जारी की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को ये जानकारी यहाँ पर दी है। वही मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस मंच पर मैं कहना चाहता हूँ कि अक्टूबर में 29,000 पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये सोच है कि मेहनत करने वाले हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरियां मिले। इसके साथ ही डोटासरा ने हाल में ही यहाँ पर आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्षी दल भाजपा के नेताओं पर हमला बोला। वही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये लोग इसलिए परेशान है क्योंकि जिन शानदार व्यवस्था के तहत यहाँ पर रीट परीक्षा आयोजित हुई है, उसके लिए यहाँ पर वे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर दर्ज यहाँ पर होने जा रही है। डोटासरा ने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार भी रही है, बयान करने वाले लोग यहाँ पर यही लोग मंत्री थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की और नकल का गिरोह यहाँ पर बनता रहा। उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। वही बात करते हैं अगले अपडेट की। तो येस बैंक का फेस्टिव धमाका, होम लोन पर इंटरेस्ट रेट में 2.25% की भारी कटौती का हुआ है ऐलान। इस फेस्टिव सीजन येस बैंक ने होम लोन पर धमाका ऑफर यहां पर जारी किया है। वही होम लोन पर बैंक ने इंटरेस्ट रेट में 2.25% की भारी कटौती का ऐलान किया है। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। इस दौरान 6.7% की दर से होम लोन उपलब्ध यहाँ पर करवाया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर सैलरीड वुमेन अगर वुमेन है अगर वो यहाँ पर लोन लेती है, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट की शुरुआत
6.65% से होगी। वही यस बैंक का ये फेस्टिव ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। वह इंटरेस्ट में भारी यहाँ पर कटौती के बाद बैंक का मकसद इस तिमाही में होम लोन है उसमें बुक को डबल यहाँ पर करना है। वही इस ऑफर के तहत आप 35 साल तक के लिए होम लोन ले सकते हैं। वही प्रीपेमेंट चार्ज को भी यहाँ पर माफ कर दिया गया है। अगर आपको लोन पहले से चल रहा है तो बैलेंस ट्रांसफर करने पर भी आपको इसमें यहाँ पर लाभ मिल सकेगा। वही इस फेस्टिव धमाका को लेकर यस बैंक के मैनेजर डायरेक्टर और CEO प्रशांत कुमार ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को कम इंटरेस्ट पर सपना का घर खरीदने की मदद करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वही होम लोन के लिए यहाँ पर ट्यूनर में भी 35 सालों को यहाँ पर ट्यूनर है वो यहाँ पर 35 सालों तक रखा गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप की शक्ति 20 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स पर लगाया है बैन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नए आईटी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत अगस्त 2021 के दौरान व्हाट्सएप ने जहां 20 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर्स को यहां पर बैन कर दिया है, वहीं उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ने करोड़ों कंटेंट्स को यहां पर अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने भी 20 लाख से ज्यादा कंटेंट्स को हटाया है। वहीं व्हाट्सएप ने अगली यहां पर व्हाट्सएप ने कहा है कि अपनी मंथली कंप्लेंट जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर उन्होंने कहा, उसमें कहा है कि उसे अगस्त 2021 के दौरान 420 शिकायतें मिली है। उसके बाद कुल यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा अकाउंट को यहाँ पर व्हाट्सएप ने यहाँ पर बैन किया है। व्हाट्सएप ने 16 जून 2021 से यहाँ पर 31 जुलाई 2021 के बीच 594 शिकायतें मिलने पर यहाँ पर लगभग 30 लाख भारतीय यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए थे। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, तो लोन लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, महंगे हो सकते हैं लोन, अगले हफ्ते RBI बढ़ा सकता है रिपो रेट। लंबे समय से चले आ रहे सस्ते लोन का दौर अब खत्म हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अगले हफ्ते से ब्याज दरों को यहाँ पर बढ़ा सकता है। वही ब्याज दरें बढ़ी तो घर, कार और अन्य सभी तरह के कर्ज यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। वही RBI मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक की घोषणा 8 अक्टूबर को यहाँ पर करेगा। वही समय रिपो रेट 4% और रिवर्स रिपो रेट 3.5% है, यानी पिछले सात बार यहाँ पर 14 महीने से RBI ने दरों में कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया है। वही RBI हर 2 महीने में एक बार यहाँ पर मीटिंग करता है और सिटी ग्रुप ने उम्मीद जताई है कि RBI 8 अक्टूबर को रिपो रेट को बढ़ाने पर विचार यहाँ पर कर सकता है। हालांकि ये उम्मीद थी कि दिसंबर में रिपो रेट यहाँ पर बढ़ेंगे। वही सिटी ग्रुप ने कहा है कि कई देशों के सेंट्रल बैंक कोरोना के समय जो राहत उपाय यहाँ पर किए थे वह उपाय वापस यहाँ पर ले रहे हैं। ऐसे में RBI भी इन देशों के क्लब में यहाँ पर आ जाएगा जो राहत उपाय को वापस यहाँ पर ले सकता है। दरअसल अर्थव्यवस्था में रिकवरी को यहाँ पर अब रिकवरी है जो दिखने लगी है। कई सारे सेक्टर में मांग अच्छी यहाँ पर आ रही, साथ ही ऐसे सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे अब राहत उपाय को वापस किए जाने की शुरुआत होगी। रिकवरी के साथ महंगाई का लेवल भी यहाँ पर देश में कम हो रहा है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल में फिर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और कॉलेज। कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले लोगों को पाबंदियों में मिलेगी राहत। केरल सरकार ने शनिवार को राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट की वजह से पाबंदियों में और ढील देते हुए सिनेमाघरों और थिएटरों और इंडोर ऑडिटोरियम को फिर से यहाँ पर खोलने की घोषणा यहाँ पर की। हालांकि इन सब स्थानों पर प्रवेश की अनुमति केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक यहाँ पर लग चुकी है। यह आदेश 25 अक्टूबर से प्रभावी होगा। वही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय यहाँ पर लिया है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए, 121 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार सिनेमा हॉल और थिएटर और इंडोर ऑडिटोरियम को यहाँ पर केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति है। वही केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनको वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हो। वही कॉलेज में भी यहाँ वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले छात्र ही यहाँ पर जा सकते हैं। वही 1 नवंबर से हॉस्टल मॉडल और आवासीय स्कूलों और अन्य यहाँ पर स्कूलों को बायो बबल फॉर्मेट में फिर से खोलने की सिफारिश की गई है। वही सभी स्टाफ को 2 रोज का टीका लगवाना होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना का फिर गिरा है भारत में ग्राफ। 24 घंटों में आए हैं 24,354 नए केस। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब यहां पर कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 24,354 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 234 मरीजों की पिछले 24 घंटों में देश में मौत हुई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,37,00,000 पार हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हो लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला है। वहीं कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत ही आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 2,73,000 के आसपास एक्टिव केस है, जबकि
3,30,00,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वही अब तक 4,48,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही देश में अब तक कुल यहाँ पर 79 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में देश में 69 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन भारत में यहाँ पर लगाई गई है। वैसे ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है के अनुसार है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में कोविड के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही 95 और मरीजों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मृतक यानी मौत हुई है। वही टोटल मृतकों की तादाद यहाँ पर 25,182 यहाँ पर जो मृतकों की तादाद है वो यहाँ पर हो गई है। वही केरल के अंदर ये आंकड़ा है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,105 नए केस सामने आए हैं। 50 संक्रमितों की मौत यहाँ पर पिछले 24 घंटों में इस राज्य में हुई है। वही तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 1,597 नए मामले मिले हैं। वही 25 और मरीजों की मौत यहाँ पर हुई है।